आज हम बनाएंगे हरे मटर की कचौरी। सर्दी के मौसम में हर कोई इसे जरूर पसंद करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मटर की कचौरी बनाना। एक पैन में हम लेंगे 2 चम्मच सनफ्लावर ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग, और इन सबको हम गर्म होने देंगे। जीरा चटकने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भूनेंगे, और हमने इसमें हींग मिलाई है। हींग से हाजमा अच्छा होता है और स्वाद भी बढ़ता है। तो प्याज गोल्डन कलर हो चुका है तो अब हम इसमें मिलाएंगे सूखे मसाले, जिसमें हम इसमें मिला रहे हैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर। इन सबको तेल में अच्छी तरह मिला देंगे, और आंच हमने एकदम धीमी रखी है ताकि मसाले जले नहीं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे, मैंने यहाँ पर पहले से ही पेस्ट बना के रखा है, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का। तो इन सबको हम अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे। जब भी हम हरे मटर की कचौरी बनाते हैं तो इसमें हरा धनिया और लहसुन इनका डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत स्वाद बढ़ा देते हैं, और ठंडी में तो हरा धनिया का स्वाद बहुत ही ज़्यादा आता है। तो अब हमने मसाला अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, तो अब हम इसमें मिला देंगे मटर, जिसको हमने दरदरा पीस लिया है। तो इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे। मटर को भूनते समय हमें गैस को मीडियम में ही रखना है, जिससे कि मटर जले नहीं और ये अच्छी तरह से भून जाए। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो मटर को हमने अच्छी तरह से भून लिया है और ये ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ 2 उबले हुए आलू, जिनको हमने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ है। आलू मिलाने से मटर और आलू की कचौरी का स्वाद बढ़ जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और आलू और मटर को भी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे, जिससे कि इसमें मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। तो इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लेंगे, और मैंने यहाँ पर आंच एकदम से धीमी रखी हुई है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे ढक कर पकने देंगे, और 1 मिनट बाद हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और अच्छी सी सुगंध आ रही है। तो अब हम इसमें मिला देंगे नमक स्वादानुसार। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ऑफ करके एक साइड में रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए, और तब तक हम डो की तैयारी कर लेते हैं। कचौरी बनाने के लिए हमने पहले से ही आटा गूंथ कर रख लिया है, जिसमें कि 2 कप आटा है। इसमें मैंने 1/2 कप तेल डाला है मोयन के लिए, और कलौजी डाला हुआ है, जिससे कि इसका स्वाद बढ़ जाता है, और कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनती है। यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा सा बॉल, और इसे राउंड शेप देते हुए हाथों से ही हमें इसे कटोरी का शेप देना है। इस तरह से राउंड करते करते ये अच्छा खासा कटोरी बन जाता है। तो हमारा ये आटे की कटोरी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें फिलिंग्स भरेंगे। तो यहाँ मैं जितना फिलिंग्स आ सकता उतना भर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने ऑलमोस्ट भर दिया है, और थोड़ा सा प्रेस करते हुए आटे को एक तरफ से मोड़ते हुए, हाथ में हमने तेल लगा लिया है ताकि ये चिपके ना हाथ में, और इसे मोड़ते हुए इस तरह से ऊंचाई की तरफ लाते हुए इसे आटे को सिकोड़ देंगे हम। और इस तरह से देखो, जो एक्स्ट्रा है उसे हम काट करके निकाल देते हैं, और ये राउंड शेप देंगे हम ताकि आटा अच्छी तरह से चिपक जाए, और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ये चिकना हो जाएगा ऊपर से। तो इसी तरह से हम बाकी की कचौरियाँ रेडी कर लेंगे। अब दूसरी कचौरी मैं इस तरह से बना रही हूँ, जिस तरह हम पूरी बेलते हैं उस तरह से हम बेल लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच फिलिंग्स डालते हैं, या फिर जितना आ सके उतना अंदाजे से डालिए, और इसके बाद हम इसे आटे को एक तरफ से मोड़ना शुरू करेंगे, और इस तरह से चारों तरफ से मोड़ लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मोड़ करके ऊपर से एकदम अच्छी तरह चिपका करके जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे, और इसे हाथों से दबाते हुए कचौड़ी बना लेंगे, और इसे फिर हम थोड़ा सा बेलन से बेल देंगे ताकि ये सरफेस इसका चिकना हो जाए। तो इसी तरह से सारी कचौरी हम बना करके रेडी कर लेंगे। अब गर्मा गर्म तेल में कचौरियों को तल लेंगे। यहाँ पर आंच हमने मीडियम ही रखी हुई है, जिससे कि कचौरी अच्छी तरह से पकेगी और खस्ता बनेगी।
तेल में डालने के बाद कचौरियों को हमें 2 मिनट तक अच्छी तरह से एक साइड में पकने देना है। तो 2 मिनट तक ये एक साइड में पक जाते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं, तब हम इसे पलटेंगे। एक तरफ अच्छी तरह कचौरी पक चुकी है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो अब मैं इसे पलट दूंगी और दूसरी तरफ भी गोल्डन कलर होने तक हम इसे तल लेंगे और इसको धीमी आंच पर ही तलेंगे ताकि कचौरी एकदम खस्ता बन करके तैयार हो। तो 2 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कचौरियाँ बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और अच्छी तरह पक चुकी हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है कचौरी की। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख देंगे जिससे कि सारा ऑयल अब्जर्व हो जाएगा। हमने यहाँ पर कुछ बड़े तो कुछ छोटी छोटी कचौरियाँ भी बनाई हैं, तो अब हम यहाँ पर जो छोटी छोटी कचौरियाँ हमने बनाई हैं उसे तल लेंगे। छोटी कचौरियों को बनाने के लिए हमें इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, हम जिस तरह से हाथ में लेकर फिलिंग भरते हैं उसी तरह से हाथ से ही इसे राउंड शेप दे करके कचौरियाँ तैयार की जा सकती हैं। तो सेम प्रोसेस में हम इसे तल लेंगे, आँच को धीमी रखेंगे जिससे कि कचौरी खस्ता बन करके तैयार होगी। 2 मिनट तक तेल में तलने के बाद कचौरी एकदम गोल्डन कलर हो चुकी है, तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों आप भी इस ठंडी के सीजन में मटर की कचौरी जरूर ट्राई करिए, किसी मेहमान के आने पर या फिर बच्चों के लिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सब इसे बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।